आज आप लोगों को मैं वाइन की लिंक दिखाने जा रहा हूँ कैसे बनती है, काजू और मगज से बनती है। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो के नीचे आप लोगों को एक लाल बटन मिलेगा उस पर जाकर क्लिक कर दीजिए, और इस तरीके की रेसिपी आप लोगों को मैं देता रहूँगा। चलिए स्टार्ट, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। दोस्तों ये हमने 500 ग्राम काजू लिया है, 400 ग्राम मगज लिया है, इसको हम पानी में भिंगा लेंगे अच्छे से और वॉश करेंगे। तो आधा घंटे पहले हम गला देंगे ताकि इसका जो कालापन है वो निकल। हमने पानी में भिंगा के रखा है और ये दो तीन पानी से हमने धो लिया है इसको, ये साफ हो गया। अब इसको हम ब्लांच करेंगे। लोग देखिए इसका हमने पानी निकाल लिया है, अभी हम इसको गर्म बाटल में चढ़ा के रखा था उसमें डाल दिया है। तो आप देखिए ये ब्लांच कर रहा हूँ, जब ये ब्लांच हो जाए करीब 15 से 20 मिनट में उबल जाएगा अच्छे से, जब भी हो जाएगा फिर उसको हम गर्म साफ पानी से धो लेंगे, 2 से 3 पानी साफ पानी से धो के उसका पेस्ट बनाएंगे। देखिए दोस्तों मैंने ये पेस्ट रेडी कर लिया है व्हाइट ग्रेवी के लिए। तो चलिए अब आप लोगों को आगे दिखाता हूँ मैं, थोड़ा ये पतले ही पीसना है हमें, इस तरीके से पेस्ट बनाना है ताकि हम पकाएंगे तो इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना पड़े। तो इतना पतला हम पीसेंगे व्हाइट ग्रेवी के लिए। दोस्तों हमने व्हाइट पेपर लिया है, शक्कर ली है, सॉल्ट है, इलायची है, तेज पत्ता है, ये मावा है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है एंड मिल्क है। ये सारी हम ऐड करेंगे एक के बाद एक, आप लोगों को दिखाएंगे कैसे डालना है। देखिए दोस्तों इस हमने ऑयल डाला है, अब इसमें हम तड़का लगाएंगे, इलायची डाल दी है, तेज पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून। दोस्तों हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट और तेज पत्ता पक चुका है ये मसाला हमारा, तो हम अब इसमें व्हाइट ग्रेवी जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो हम इसमें डालेंगे। तो 15 से 20 मिनट तक हम पकाएंगे, देन दूसरे मसाले डालेंगे। हम मिल्क ऐड कर रहे हैं, ये हमने मिल्क डाला इसमें। ये पका रहे हैं बस। देखिए दोस्तों ये ग्रेवी पक चुकी है, इसके अंदर हम बाकी जो हमने मीडिया रखा है वो हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें मावा डाला 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून, 1 टी स्पून हमने व्हाइट पेपर डाला, एक टी स्पून हमने शक्कर डाली, सॉल्ट डालेंगे इसमें हम 1 टी स्पून, सॉल्ट आप टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं। ये ग्रेवी तैयार है, हमें एक बर्तन में निकाल लेंगे, जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम फ्रीजर में रख देंगे और इसको हम किसी भी आइटम में शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, ये बहुत सारे व्हाइट ग्रेवी के आइटम बनते हैं आप लोगों को, वो भी हम दिखाएंगे क्या क्या बन सकता है इससे। लेकिन ये सिर्फ अभी ग्रेवी बनाना दिखाया, और इसका मेन कंसर्न जो है क्रीम, क्रीम इसके साथ में बहुत ज़रूरी है, क्रीम होना चाहिए। जब कोई आइटम आप बनाएं तो उसमें क्रीम ज़रूर ऐड करें। आप लोग देख सकते हैं हमारी ग्रेवी रेडी है, और इससे हम बहुत सारे आइटम बना सकते हैं, वो भी आप लोगों को हम एक एक करके दिखाएंगे। तो ये हम लोग हॉट की किचन क्रीम यूज करते हैं, आप लोग देख सकते हैं हॉट की है। तो ये फ्रीजर में आप रख देंगे तो 1-2 महीने कुछ भी नहीं होता है, और ग्रेवी को आप 8 से 10 दिन तक फ्रीजर में रख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, आप लोगों इस तरीके बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे।